राजस्थान के कोटा जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर दो दिन से चल रहे पुजारियों के धरने प्रदर्शन में छिपावदौड़ से वैष्णव वैरागी विकास सेवा समिति अध्यक्ष विनोद कुमार वैष्णव ने पहुंचकर पीड़ित पुजारी परिवार से मिलकर उनके साथ हुई घटना की जानकारी ली और उनके साथ हुई घटना को लेकर शासन और प्रशासन से आरोपियों जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पीड़ित पुजारी परिवार को वापस पूजा करने का अधिकार और मंदिर की जमीन लौटाई जाए। इस दौरान वैष्णव वैरागी विकास सेवा समिति छिपावदौड़ अध्यक्ष विनोद कुमार वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रार्थी लवकुश बैरागी पुत्र सत्यनारायण जी बैरागी निवासी किशनपुरा तकिया थाना रेलवे कॉलोनी कोटा द्वारा श्रीमान के यहां पर कार्यवाही करने के लिए आग्रह करते हुए व कार्यवाही नहीं किए जाने पर दिनांक 12 सितंबर 2022 से श्रीमान के सामने अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठने हेतु प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन मूलजी मान के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने से आज प्रार्थी मय परिवार सहित श्रीमान के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अवधि के लिए धरने पर सुबह 10 बजे से बैठ गया है, जिसका समर्थन वैष्णव ब्राह्मण सेवा संस्थान कोटा के अध्यक्ष श्री बनवारी लाल वैष्णव एवं वैष्णव वैरागी विकास सेवा समिति छिपावदौड़ अध्यक्ष विनोद कुमार वैष्णव आदि करते हैं। मूलजी मान के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने से प्रार्थी व उसके परिवार की मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान किशनपुरा तकिया की सेवा पूजा में बाधा हो रही है। उक्त मंदिर की सेवा पूजा अर्चना से ही प्रार्थी व उसका परिवार का पालन पोषण होता आ रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।